कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने झूठ बोलने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि 1951 में पहला आईआईटी खड़गपुर, 1956 में पहला एम्स दिल्ली, साल 1959 में पहला एनआईटी वारंगल और 1961 में पहला आईआईएम कोलकाता का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक रुचिरा चतुर्वेदी समेत कई विपक्षी सदस्य और राजनीतिक दलों ने अमित शाह की ये क्लिप शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा है। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि ये वीडियो सिर्फ अमित शाह के भाषण का अधूरा हिस्सा है, जबकि उनका पूरा भाषण सुनने पर वायरल दावा अपने आप खारिज हो जाता है। नवंबर में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में अमित शाह ने 16 अक्टूबर को वहां पर ये भाषण दिया था। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना, कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना, 150 दिन तक जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यानी अमित शाह ने अपना ये भाषण पूरे देश को संबोधित करते हुए नहीं बल्कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर कहा था। आगे छत्तीसगढ़ में बनाए गए इन संस्थानों के बारे में पता लगाने पर हमें मालूम हुआ कि आईआईटी भिलाई की स्थापना 2016 में की गई थी और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। आईआईएम रायपुर की स्थापना 2010 में की गई थी और उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ही थे। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईआईटी नया रायपुर की स्थापना रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के अधिनियम के चलते की गई थी। एम्स रायपुर साल 2012 में शुरू हुआ था और इसकी घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आजीविका कॉलेजों की स्थापना का विचार 2013 में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि एनआईटी रायपुर की स्थापना साल 1956 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी और वर्ष 1963 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में साल 2005 में संस्थान को एनआईटी के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी अमित शाह ने अपने भाषण में संस्थानों की स्थापना को लेकर ये नहीं कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में इन संस्थानों का निर्माण किया है। उन्होंने ये दावा सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर भाषण के क्लिप वीडियो के सहारे झूठा दावा किया गया।